नमस्कार। पता है आपको, व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती कब करता है? आप क्या सोचते हैं, वो नॉर्मल समय में या फिर जब वो कठिन समय में अपनी गलती कर देता है, जीवन की सबसे बड़ी गलती कर देता है? नो, नेवर। आप सोचोगे तो ताज्जुब होंगे, यू आर अ सरप्राइज। मैं आपको भी बताऊंगा, इंसान, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक इस वक्त करता है। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती ऐसे समय में कर देता है और ऐसे समय में सबसे पहले नहीं करनी होती। पता है आपको, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कोई भी मिस्टेक करता है ना, छोटी मोटी मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटी मोटी मिस्टेक तो रोज चलती रहती है या महीने में कभी भी हो सकती है, मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। एवरी पर्सन, आप हो या मैं हूँ या कोई और है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक इंसान तब करता है जब वह अपने सर्वोत्तम समय में जी रहा होता है, जब उसके चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती है, उसका जीवन आनंद से भरा हुआ होता है, उस वक्त इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। आप कहोगे सर, जब इंसान आनंद में होता है, जब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है, और हाउ कैन ही डिड मिस्टेक, वो मिस्टेक कैसे करता है? एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी इंसान अगर मुश्किल में होता है, संकट में होता है, बहुत ही मतलब संकट में होता है, तो पता है आपको, संकट में वो फूंक फूंक कर कदम रखता है। वो संकट में सोचता है, यार ये करूंगा तो ये गलती नहीं हो जाएगी, यार ये करूंगा तो ये गलती नहीं हो जाएगी। वो जब ट्रबल में होता है ना, वो जब मुश्किल में होता है ना, वो हर तरफ सोच समझ कर फैसले लेता है। वो सोचता है कि आज ये मुश्किल है तो कहीं आगे मेरे और मुश्किल नहीं आ जाए। लेकिन जस्ट अगेंस्ट, जस्ट विपरीत, जब इंसान आनंद में होता है ना, तब इंसान दुख के बारे में नहीं सोचता है। तब इंसान ये नहीं सोचता कि यार मैं ये कार्य कर रहा हूं और व्हाट विल बी रिजल्ट इन फ्यूचर फॉर दिस वर्क। अगर मैं कार्य करूंगा तो इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा, वो उस बारे में नहीं सोचता। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो बताता हूं, रावण ने अपने सबसे बड़ी मिस्टेक कब की थी? जब वो अपने सबसे अच्छे समय में जीरा होता है, अहंकार करता है कि मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है, मैं सब हूं जो मैं, बाकी सब तुच्छ प्राणी। रावण ये गलती कर बैठता है और क्या होता है, अंत में मौत मिलती है। और एग्जांपल चाहिए तो आपको दुर्योधन भी सबसे बड़ी गलती कब करता है? जब आनंद में होता है तब करता है। क्या सोचता है, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास विश्व के बड़े बड़े योद्धा है, मुझे कौन हरा सकता है? आनंद में होता है तब यह गलती कर देता है और फिर क्या होता है, हारता भी है और मौत भी मिलती है। और एग्जांपल चाहिए तो आपको मैगी ब्रांड की कहानी सुनाता हूं। 2017 में मैगी ब्रांड सबसे टॉप सेल्स में थी और एक छोटी सी गलती कर बैठती है, लेड की मात्रा अधिक पाई जाती, और एक लेड की मात्रा अधिक पाए जाने से उसके अरबों रुपए का बिजनेस जीरो में बदल जाता। तो व्यक्ति गलती कब करता है? जब अपने सर्वोत्तम समय में जीरा होता है, और फिर जब वो सर्वोत्तम समय से फिर संकट के समय में आता है ना, तब उसे पता चलता है, अरे यार मैं उस वक्त ये गलती नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देना पड़ता। अगर मैं आनंद के दिनों में अगर ये गलती नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जीवन में आप भी ध्यान रखना, लाइफ में आप भी ध्यान रखना कि जब भी आप आनंद के समय में होना तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, उल्टा करता है, व्यक्ति संकट के समय कदम फूंक फूंक कर उठाता है और जब आनंद का समय होता है तब ऐसे ही कदम उठा देता है, कहीं जाना उधर जाना इधर जाना, जा रहा है आगे क्या है कुछ पता ही नहीं है। लेकिन संकट के समय में तो वो फूंक कर कदम उठाएगा, लेकिन जब, एक बात ध्यान रखना, आपको आनंद के समय भी फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं।
वो इसलिए उठाने हैं कि आज मेरे जीवन में आनंद है, लेकिन अगर आज मैंने गलत कदम उठाया तो इन फ्यूचर में मेरे लिए ट्रबल आ सकती है, मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, ये सोचना होगा आपको। आप ये मत सोचना कि आज आनंद है तो हमेशा ही मेरे लिए आनंद होगा, नहीं, कभी सुख कभी दुख दोनों चलेंगे। तो मैं कहीं आनंद में ऐसी गलती न कर लूं जो मुझे बहुत बड़ी भारी गलती हो। जो भी डिसीजन ले, जो भी आपको कोई भी वर्क करने हो आनंद में, तो सोच समझ के करना, क्योंकि आज की गलती आपको इन फ्यूचर में तकलीफ देगी। आज कोई गलती करोगे ना तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, और फिर आप रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन डू नथिंग, बस यू डू ओनली रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। इसीलिए जब भी आप आनंद में हो, जब भी आप कहीं हो, तो जो भी डिसीजन लो ना, सोच समझ कर लेना, सोचना कि इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा मेरे लिए, तभी कोई कदम उठाना। बाकी बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना।